हाय गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो दिस इज़ डॉग बिहाइंड कैम और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा आज का वीडियो हमारा होने वाला है डैशबोर्ड क्लीनिंग पे ये यह है हमारा आई ट्वेंटी का डैशबोर्ड एंड इफ़ यू कैन सी ये काफ़ी गंदा हो चुका है और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ इसको क्लीन अप करने का मैंने कई बार साबुन के पानी को भी यूज़ किया और आ, ब्रश से भी इसको साफ़ करने की कोशिश करी नॉर्मल वेट क्लॉथ से भी साफ़ करा लेकिन Uh, वो जो एक फ़िनिशिंग टच आना चाहिए वो नहीं आ रहा है एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो डोर्स uh, का भी जो विनाइल है वो काफ़ी गंदा हो चुका है तो काफ़ी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक फोम बेस्ड शाइनर आ रहा है ये विस्ता का है uh, इसके अलावा टर्टल वैक्स और थ्री एम का भी आ रहा है जो कि अवेलेबल uh, है अमेज़ान um, पे जिसकी मैं लिंक आपको डाल दूंगा इसकी भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा क्या है ये चमत्कारी है क्या ये चेंजेस ला पाएगा वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं तो लेट्स गो एंड लेट्स क्लीन दिस अप देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इसको करने के बाद तो यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक मास्किंग टेप लगा दिया और यह जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे हम इसका यूज़ करने वाले हैं एंड राइट साइड पे हम कुछ भी नहीं लगाने वाले ये एक नॉर्मल पेपर टेप है और कुछ भी इसके अलावा हमने यूज़ नहीं किया है तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही गंदा हो रहा है ये और डस्ट इसमें काफ़ी है थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप में ले जाकर दिखाऊँ कि इनके क्रवाइस में काफ़ी काफ़ी गंदगी है एकदम अच्छा साफ़ नहीं है इस साइड और इसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि इसको आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इसमें अच्छे से सफाई कर लें अब अगर हम बात करें तो ये जो विस्ता का क्लीनर है ये फोम बेस्ड है और इससे पहले मैं हमेशा जो क्लीनिंग करता था वो एक नॉर्मल साबुन के पानी से स्मॉल ब्रश जो आपका ब्रशिंग टीथ ब्रशिंग ब्रश जो होता है उसको यूज़ करता था लेकिन अभी ये थोड़ा सा अपना जो काम बढ़ाते बढ़ाता है ये सब चीज़ें हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको यूज़ करें एंड इतना टीडियस प्रोसेस नहीं रहेगा आई थिंक इसके बाद आई होप दिस वर्कस वेरी वेल ऑन इट तो लेट्स गो एंड चेक कि किस तरह से दोनों साइड चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको इस साइड हम यूज़ करने वाले हैं विस्ता और इस साइड हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो ये मैं फ़ोम डाल रहा हूँ एकदम स्नो स्प्रे की तरह है जैसे अपन पार्टीज़ में स्नो स्प्रे यूज़ करते हैं आ, थोड़ा सा ख्याल ये रखें कि इस वेंट में नहीं जाए क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ से हम निकाल पाएंगे उसको इतने आसानी से कि नहीं निकाल पाएंगे आ, बीच में मास्किंग टेप लगा है एक ही साइड हम इसको डाल रहे हैं इसको डालने के बाद पंद्रह से बीस सेकेंड इसको छोड़ना है आ, इवन वन मिनट तक आप छोड़ सकते हैं इसके बाद एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ़ कर दें आईड रिकमेंड कि इसको डालने के बाद थोड़ा सा आप हाथ से भी उसको फैला दें अच्छे से एंड ये तीन जगहों पे यूज़ किया जा सकता है जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं टायर पे भी यूज़ कर सकते हैं विनाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड लेदर अपोल्स्ट्री पे भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी हमारे पास एज सच ये लेदर अपोल्स्ट्री तो है नहीं एक क्लॉथ बेस्ड है लेट्स गो एंड चेक आउट अब अगर देखें तो मैंने उसको थोड़ा सा हाथ से फैला दिया था ताकि ये हर एरिया को कवर कर ले अब हम ये देखेंगे कि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंगे नॉर्मल जो कि अवेलेबल है हर जगह उसकी भी मैं लिंक आपको डाल के दे दूँगा ये एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और इससे अच्छे से रब करते हुए इस जगह को पहुँच देंगे और ये कोशिश करें कि आप हर एरिया को अच्छे से रीच कर लें और थोड़ा सा प्रेशर के साथ इस चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लें जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से रब कर सकूँ थोड़ा सा क्लोज़अप में भी मैं लेके जा रहा हूँ कैमरा को बार बार आपकी सहूलत के लिए तो इस तरह से इसको अच्छे से रब कर दिया है हमने और रिमूव कर दिया जितना भी एक्सेस जितना भी एक्सेस इसके ऊपर वो पड़ा हुआ था फोम और इस तरह से पूरा साफ़ करने के बाद क्या रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो हम आपको दिखाते हैं एज सच बहुत डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ एक मेजर डिफरेंस है लेकिन जितना आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग उतना नहीं दिख रहा जहाँ तक मैं बोलूँगा इसको क्लोजली मैं आपको दिखाऊँ अगर तो क्रेवाइसिस तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं लेकिन एज uh, सच बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसमें एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो काफ़ी ग्लॉसी फिनिश दिया है इसको वहीं अगर मैं देखूँ तो आई वॉज़ प्रिफरिंग आई वुड हैव प्रेफर्ड कि मैट फिनिश में ही uh, सफ़ाई होती और शाइन आती लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा ग्लॉसी टाइप का है ये uh, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थ्रू वीडियोज़ जो मैंने देखा था और सब चीज़ें उतने हाई रिजल्ट नहीं है इसके लेकिन हाँ इट्स डूइंग अ गुड जॉब आई वोंट से कि ये वर्क नहीं करता इट्स डूइंग अ वेरी वेल जॉब बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना तो मुझे देखने को नहीं मिला अभी इसमें लेफ़्ट साइड पे हमने यूज़ किया है विस्ता और राइट right साइड में हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया एक नॉर्मल क्लॉथ से साफ़ किया था तो क्रेवाइसिस में धूल अभी भी थी और इस साइड हमने विस्ता का यूज़ किया है तो थोड़ा सा आप डिफरेंस देख सकते हैं uh, दोनों साइड सनलाइट शाम की सनलाइट है तो वो पड़ रही है तो आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे आप अभी आप देख सकते हैं हल्का सा ग्लॉसी फिनिश आ रहा है इसमें जिस साइड विस्ता को यूज़ किया है हमने और वहीं अगर मैं आपको इस साइड लेके जाऊं तो वो क्रिवाइसिस में धूल और गंदगी अभी भी है जिसकी वजह से वो एक फिनिश नहीं आ रहा एज सच बहुत अच्छा फिनिश नहीं है इस साइड भी आई एम नॉट एज सेटिस्फाइड दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट uh, होंगे लेकिन फिर भी इट्स डूइंग अ गुड जॉब अभी हम ये कोशिश करेंगे कि इस टेप को निकाल के आप सबको दिखा सकें तो लेट्स गो एंड रिमूव दिस टेप यहाँ पे हमने मास्किंग टेप को हटा दिया है और अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों साइड में Uh, इस साइड जहाँ पे विस्ता को यूज़ किया गया है कोई भी फोम बेस्ड क्लीनर को यूज़ करें आप आई डोंट केयर बट जिस तरह यूज़ किया गया है uh, वहाँ से जहाँ पे यूज़ नहीं किया वहाँ एक मेजर डिफरेंस तो दिख रहा है आई वोट से जो मैंने पहले बोला था कि आई एम नॉट सेटिस आई एम अ बिट सेटिसफाइड इस रिज़ल्ट से आईट uh, से कि इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब क्योंकि ये उतना महंगा नहीं है अगर आप टर्टल वैक्स या किसी में भी जाते हैं तो दैट कॉस्ट यू अराउंड फाइव हंड्रेड एंड इट सेव आई सेव्ड अराउंड वन फिफ्टी बक्स इन दिस तो हम क्या करने वाले हैं इसमें कि हम बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोज़ वीडियो के एंड में डाल देते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितना ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आप लोग इस चीज़ को बताएं एंड इसके अलावा मैं इसके बाद टायर पर भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला हूँ तो उस वीडियो को देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल इट्स डॉग बिहाइंड कैम एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपके पास रेगुलर अपडेट्स नए नए वीडियोस की आते रहे और इसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी भी आ, लेदर अपोल्सट्री वाली गाड़ी में भी इसका यूज़ करके मैं दिखाऊँ आपको आ, तो वो हमारे पास हैं गाड़ियाँ एंड आई एल बी यूजिंग इट ताकि आप लोग देख सकें अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको ये सब दिखा सकूं तो इस साइड का डैशबोर्ड अभी भी बहुत गंदा है बहुत ज़्यादा धूल है उस पर तो हम क्या करने वाले हैं कि अभी जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड आगे करते हैं और इसको पूरी तरह से क्लीन करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं तो आप लोग डिसाइड करिएगा कि कितना कारगर साबित हुआ ये चीज़ और इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाल दूंगा उसको कंपेयर करने के लिए तो लेट्स गो अब दैट आई हैव कम्प्लीटली क्लीन दिस डैशबोर्ड आई थिंक आई वॉज़ रॉन्ग पहले ये कहने के लिए कि दिस इज़ नॉट एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड दिस इज़ वेरी गुड आप देख सकते हैं इस तरह की एक ग्लोसी शाइन छोड़ी है जो कि आई पर्सनली डोंट लाइक ग्लॉसी शाइन पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है इसने और इवन म्यूज़िक सिस्टम को भी बहुत अच्छे से साफ किया है आई पुट द बिफोर एंड आफ्टर वीडियोज़ फॉर यू पीपल एंड इवन यू पीपल योर सेल्फ विल अप्रिशिएट कि काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ विद वेरी लेस एफर्ट्स इसने साफ किया है माई ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो ये जो विस्ता का थ्री इन वन शाइनर डज वर्क गुड ऑन द वेनाइल मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा दिखा दूँ इस तरह से कि यहाँ पे सिर्फ उसके छीटे आए हैं एंड वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाया था तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितना ख़राब था पहले ही वेनाइल एंड अभी यहाँ पर देखें काफ़ी साफ एंड अट ऑफ शाइनी ग्लॉस है इसमें और एफर्टलेस था सबसे बड़ी बात तो आई बिलीव दिस इज़ अ गुड थिंग

टायर को भी करके देखने वाले हैं उस वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब टू तो द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन क्लीनिंग द टायर एंड डज दिस वर्क ऑन द टायर विल uh, हमारी लेदर पॉलस्ट्री नहीं है कपड़े की है तो हम इसको लेदर पॉलस्ट्री पे चेक नहीं कर सकते लेकिन हाँ आई डू दिस ऑन uh, आइदर द पजेरो और uh, एनी अदर कार जिसके अंदर भी uh, लेदर पोलस्ट्री होगी तो लास्टली my comments इज दिस works वेल वेल इनफ बहुत लेस एफर्ट्स में आपका डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा शाइन भी करेगा यू कैन सी मतलब ये तो ग्लिटर कर रहा है अभी आई don't लाइक दिस अमाउंट ऑफ ग्लॉस लेकिन हाँ इट्स गुड जितना गंदा पहले था उसके कंपैरिजन में तो अभी काफ़ी अच्छा है और वहीं अगर मैं आपको डोर दिखाऊं, तो डोर भी आप किया तो इस तरह का दिख रहा है डोर अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो स्टक हो गया है तो वो निकल नहीं रहा है तो इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है इस पर लेकिन बाकी आप देख सकते हैं इट्स डन वेल इनफ जॉब दिस इज़ इट दिस वॉज द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन डॉग बिहाइंड कैम साइनिंग आउट पीस आउट